तुमने हमें रात को क्यों नहीं बताया, जब ही बताना चाहिए था ना। अम्मी मैं कैसे बताती, मैं खुद इतना परेशान थी। पर से भाई अपने हवास में ही नहीं थे, ऐसा लग रहा था सांसें कुबरा की उखड़ रही हैं और जिसम भाई का बेजान हो रहा है। मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जा रही थी। अल्लाह फजल का भला करे कि वो वक्त पे पहुंच गया था। लेकिन ऐसा सब कुछ हुआ क्यों? अरे क्या झगड़ा हो गया था आपस में उनका? पता नहीं अम्मा, हम तो नीचे थे, अचानक आवाज आई, हम ऊपर भागे तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। अरे भाई इस लड़की का कोई काम सीधा नहीं है, अल्लाह जाने क्या क्या दिमाग में चल रहा होता है। अच्छा ये बताओ कि अस्पताल फोन किया किसी ने? तबीयत कैसी है उसकी, होश आया? जी फजल से बात हुई थी, वो कह रहे थे हालत खतरे से बाहर है लेकिन होश अभी नहीं आया। अरे ये तो और ज्यादा खतरे वाली बात हुई ना, माँ बनने वाली है वो, और अगर कहीं बच्चे को कोई नुकसान पहुंच गया तो रहम कर दे मालिक।